हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास। आज हम लोग डीपीपी 8 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको डीपीपी 8 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके उसको बना लो पहले, और फिर यहां देखो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं डीपीपी 8 में, आपसे कितना बनता है और कितना नहीं बनता है, ठीक है। पहले आप खुद से बनाओ, उसके बाद आप यह वीडियो लेक्चर देखो। डीपीपी 8 में आपको पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू। कितना आसान है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 2λ/r। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आप फॉर्मूला याद रखते तो यह इसका जवाब आप दे पाते। दूसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स प्लेन इज प्रोपोर्शनल टू। ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, तो सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यानी इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण 2ε0, अगर कंडक्टिंग रहता है तो, कंडक्टिंग अगर रहेगा तो उस समय हो जाता है कंडक्टिंग सीट के कारण σ/ε0। तो इन दोनों केस में डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के पावर 0, इसमें आर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर के पावर 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आर पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं आर के पावर 0, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, यह ऑब्जेक्टिव है, शुरुआती कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इसमें। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, वर्ड पर ध्यान देना है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जैसा हम लोग पढ़े हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज जो होता है, चार्ज लोकेट्स एट दी सरफेस ओनली, कहाँ होता है, सरफेस पर ही होता है, इसी कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है और बाहर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। तो इसका ग्राफ कौन सा हो जाएगा, अंदर में 0 और उसके बाद सरफेस है इस प्रकार, और एकदम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, अगर इस पर टोटल चार्ज q है तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसलिए आपका ग्राफ कौन सा सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ग्राफ, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिंग, अगर यही नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहता तब अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान देना नॉन कंडक्टिंग वाले में ऐसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा अगर बदल दे कंडक्टिंग की जगह नॉन कंडक्टिंग कर देगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो चौथा में आंसर सेम रहेगा, सेम चीज है, चौथा में क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से आपको आंसर नंबर डी हो जाएगा, ग्राफ बदल जाएगा, चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा में कंडक्टिंग की जगह नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ध्यान देना है, अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू गुने स्मॉल आर होता है, अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, यानी इनसाइड द स्फीयर, यह फॉर्मूला काम करता है, इनसाइड द स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यह आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसलिए इसमें कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा, इनसाइड द स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर और आउटसाइड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यह वाला ग्राफ सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सरफेस पर उतना ही चार्ज होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो यहाँ पे है, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो,
ठीक है। उसके बाद है पांचवा नंबर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनक्लोज कर रहा है, हमको मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल के भीतर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है? जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी क्लोज्ड सरफेस के भीतर हो जाएगा तो क्यू इन बराबर हो जाएगा जीरो। दिस इंप्लाइज कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बाय गॉस लॉ। यही ना गॉस लॉ कहता है कि अगर इनक्लोज्ड चार्ज जीरो है तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा। तो वही क्यूब के अंदर डाइपोल बोल रहा था, डाइपोल में तो एक माइनस होता है और एक प्लस, टोटल चार्ज जीरो हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में है कि ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है। कहां रखा गया है? क्यूब के सेंटर पर। मान लो अगर ये क्यूब है, इसके सेंटर पे रखा गया क्यूब, तो हम जानते हैं ईच सरफेस इज सिमेट्रिक, ईच सरफेस इज सिमेट्रिक टू इट्स सेंटर। यानी अगर सेंटर से देखो तो प्रत्येक सरफेस क्या होगा? एक ही जैसा दिखाई देगा। टोटल कितना सरफेस होता है? 6 सरफेस होता है। टोटल इसमें 6 सरफेसेस होता है और सारा सरफेस एक ही जैसा दिखाई देगा। सो ईच सरफेस विल हैव सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो भी फ्लक्स होगा सारे सरफेस से एक ही जैसा होगा, क्योंकि एक क्यूब का, जैसे एक क्यूब अपने मन में सोच लो कि एक क्यूब है, इसके सेंटर पे कोई चीज अगर रख दिया जाए तो सेंटर से सामने वाला, अपने घर में भी सोच सकते हो कि तुम्हारा अगर रूम पूरा क्यूब शेप का है तो बीच में कोई चीज रखो तो उससे सामने वाले सरफेस का सामने वाला दीवार, बगल वाला दीवार, ऊपर वाला दीवार, नीचे वाला दीवार, नीचे वाला फर्श, सब क्या होगा? एक ही जैसा दिखेगा, एक ही बराबर दूरी पर, बराबर एरिया, सब कुछ सेम। तो फ्लक्स भी सेम होगा। और बाई गॉस लॉ हम जानते हैं, बाई गॉस लॉ टोटल फ्लक्स जो होगा, बाई गॉस लॉ टोटल फ्लक्स यानी छओ का फ्लक्स मिला के, टोटल फ्लक्स बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। यानी आपका टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से क्या हो जाएगा? छओ सरफेस मिला के इतना फ्लक्स होगा। सो फ्रॉम ईच सरफेस कितना हो जाएगा? फ्रॉम ईच सरफेस फ्लक्स बराबर हो जाएगा 1/6 क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन, उसका छवां हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि 6 सरफेस है और सब सरफेस चूंकि सेंटर से एक ही जैसा है तो सबसे जो भी होगा बराबर बराबर ही होगा। हाँ, फिर किसी सरफेस के पास रख दे, किसी के दूर रख दे तो फिर फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सेंटर है तो सब सारा सरफेस ही बराबर बराबर दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर, एरिया बराबर बराबर, तो फ्लक्स भी बराबर बराबर। अच्छा है, ध्यान में रखना। सातवां, इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर, हम लास्ट लेक्चर को भी पढ़े थे, चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर। अगर कॉर्नर पर चार्ज को रखा जाता है तो ओनली इट्स 1/8 पार्ट लाइज इनसाइड द क्यूब। अगर कोई चार्ज है उसको स्फेरिकल शेप का मानोगे, उसको कॉर्नर पे अगर रखते हो तो सिर्फ उसका 1/8 आठवां हिस्सा ही, पिछला लेक्चर को भी बताए थे, सेंटर पर रखोगे तो 1/8, ये कॉर्नर पर रखोगे तो, कॉर्नर पर रखोगे तो 1/8, एज पर रखोगे तो 1/4, सरफेस पर रखोगे तो 1/2, उतना ही हिस्सा भीतर रहता है और आधा हिस्सा दूसरे में रहता है।
तो 1/8 हिस्सा ही सिर्फ अंदर में रहेगा, तो इसीलिए टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1/8 ऑफ क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि चार्ज आपको यह टोटल फ्लक्स होगा, किसी एक सरफेस से नहीं बल्कि टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब। क्यों? क्योंकि क्यूब के भीतर में सिर्फ क्यू। यहाँ पे जैसे रखते हो कोई स्फेयर को, अगर मान लो मने मने सोच के देखो कि क्यूब के कॉर्नर पे रखेंगे तो सारा का सारा हिस्सा उसके भीतर थोड़ी ना जाएगा। ऐसा है कोई क्यूब, और यहां पर कोई अगर आप स्फेयर रखते हो ऐसा, तो सब सारा हिस्सा इसके भीतर नहीं ना है, इसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही क्यूब के भीतर होता है और बाकी हिस्सा बाहर होता है। ठीक है, आपको ये स्क्रीन पर एक फोटो हम दे दिए कि सेंटर पे रखा हुआ है, फोटो को देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे रखा हुआ है उसको, आपको लगेगा जैसे कि तीन बार काटा गया है स्फेयर को, और हर बार काटा जाता है तो आधा हो जाता है, तो एक बार काटा गया होगा आधा आधा हो गया होगा, फिर से बराबर बराबर काटा गया होगा तो 1/4, फिर से काटा गया होगा तो 1/8 हो गया होगा। यानी अगर सेंटर पे है तो उसको अगर पूरा क्यूब के भीतर लाने में 1/8 हिस्सा बचता है, तीन बार उसको काटना पड़ा है। आप इस फोटो में देखो गौर से, जो कॉर्नर पे रखा हुआ है, और हर कट में आधा होता चला जाता है। हाँ, आठवां है, रिपीट एवव क्वेश्चन इफ चार्ज इज लोकेटेड एट एज सरफेस ऑफ फेस एट बॉडी सेंटर। ऊपर वाले क्वेश्चन को कह रहा है रिपीट करो, अच्छी बात है। ऊपर वाला क्वेश्चन में आप क्या कह रहा है, पहला कि एज पर रखा हुआ है, तो जब एज पर रखेंगे हम तो क्यू इन बराबर जो हो जाएगा उसका 1/4 हो जाएगा। दूसरा, तो यहाँ फ्लक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। दूसरा, जब सरफेस पर रखोगे तो सरफेस पर रखोगे तो क्यू इन जो होगा आधा हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और जब बॉडी सेंटर पे रखोगे तो पूरा का पूरा भीतर ही होगा, बॉडी सेंटर में क्यू इन पूरा का पूरा क्यू हो गया, क्योंकि सेंटर बॉडी के भीतर ही पूरा का पूरा है, तो 5 फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन। ये टोटल फ्लक्स पूछा है, ठीक है। चलिए आठवां के बाद नौवां, नौवां है डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज। ये सारा डेरिवेशन है जो ऑलरेडी कराया गया है, यहाँ हम जल्दी में करते हैं। लाइन यूनिफॉर्म चार्ज है, लाइन यूनिफॉर्म चार्ज डिटेल्स में आपको ऑलरेडी इसको पढ़ाया गया है, यहाँ हम थोड़ा जल्दी में करेंगे कि आपको कम से कम इतना याद रखना है, बाकी लैंग्वेज लिख के इसको भर के थोड़ा लॉन्ग बना देना है। इसमें क्या करेंगे, हम सिलेंडर लेंगे गॉसियन सरफेस के रूप में, ठीक है। इस पर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यहाँ क्या होगा, कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इधर हो जाएगा और एरिया वेक्टर भी इधर हो जाएगा, जबकि इस प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर रहेगा, एरिया वेक्टर इधर रहेगा। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, फ्लक्स जो होगा ओनली थ्रू कर्व्ड सरफेस, किसके थ्रू होगा, ओनली थ्रू कर्व्ड सरफेस। इसीलिए गॉस लॉ अगर लगाओगे, गॉस लॉ कहता है ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, तो यह टोटल फ्लक्स होता है। तो टोटल फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कर्व सरफेस पर जो भी होगा सेम होगा, क्यों, क्योंकि बराबर दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो जो भी होगा सेम होगा। और एक एरिया सिर्फ कर्व सरफेस का लोग, प्लेन सरफेस से कोई होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेन सरफेस का एरिया होता है 2πr गुने एल, अगर इसका लेंथ एल है तो कर्व सरफेस का एरिया, और चार्ज अंदर में कितना होगा, एल लेंथ है तो लैम्डा गुने एल, इतना चार्ज इसके अंदर में है बटा इप्सिलॉन नॉट, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ई बराबर आ गया लैम्डा, नीचे हो जाएगा 2πε0 आर, इसी को हम लिखते थे 1/4πε0 2λ अपॉन आर।
ठीक है, इतना ही बस डेरिवेशन है, आप उसमें दो चार लैंग्वेज बस लिख के लिख देना है इसको, ठीक है। आपको प्रैक्टिस में इतना ही रखना है, बाकी तो आप लैंग्वेज है वो लिख ही दोगे। कंसीडर ए गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी वगैरह वगैरह, जैसा आपको पहले पढ़ाया गया है डिटेल्स में। दसवां नंबर, इसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डेरिवेशन हो जल्दी जल्दी उसको चार से पांच लाइन में डिराइव करो, प्रैक्टिस करो। दसवां, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्म इन फाइनाइट थिन सीट ऑफ चार्ज, थिन सीट ऑफ चार्ज है, रिविजन हो रहा है सब। थिन सीट ऑफ चार्ज है, यहां पे गॉसियन सरफेस जो हम लेंगे वह कैसा लेंगे, सिलेंडर ही लेंगे, लेकिन इस बार सोया हुआ सिलेंडर लेंगे, ठीक है। सिलेंडर यहां से यह दूरी भी r है और इधर का भी दूरी जो है वह क्या है, r ही है। अब यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, ये प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एक ही दिशा में हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सिर्फ प्लेन सरफेस से, मतलब इसको ऐसा मानो प्लेन सरफेस, इस सिर्फ प्लेन सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पास करेगा। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा और एरिया वेक्टर इधर है, इस बार क्या होगा, कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा और यही चार्ज इतना एरिया का अंदर में इनक्लोज्ड रहेगा। तो इस बार अगर लगाते हो ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ किससे होगा, प्लेन सरफेस से, कर्व सरफेस से नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट जब भी कोई चीज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ना उसके तरफ झुका रहेगा ना इसके तरफ, सीधा रहेगा बीचों बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस तरह है तो सिर्फ प्लेन सरफेस को क्रॉस करेगा, कर्व सरफेस को क्लोज नहीं करेगा, क्लियर। तो यहां क्या हो जाएगा, ई और एरिया सिर्फ प्लेन सरफेस का लेंगे, प्लेन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई, इसका अगर रेडियस हम कैपिटल आर लेते हैं तो टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, और अंदर में चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा इप्सिलॉन नॉट। टू क्यों लिए है, एक इसके बदला पाई आर स्क्वायर, एक इसके बदला पाई आर स्क्वायर, दोनों से होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, दोनों प्लेन सरफेस से होगा, इसलिए दो गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस अब पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट। तो देखा गया कि स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता है, स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करता है। और इसी क्रम में ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, ग्यारहवां में है थीक मेटालिक सीट है, क्या है, थीक मेटालिक सीट, प्रूफ सब सेम रहता है, प्रूफ सेम है, बस क्या है मेटालिक सीट होगा। तो ग्यारह नंबर अगर जैसे ही क्वेश्चन करते हो तो थीक मेटालिक सीट होने की वजह से एक लेयर और इसमें आ जाएगा, चार्ज का इसमें एक और लेयर आ जाएगा। एक और लेयर आ जाने से की वजह से क्या होगा कि यहां जो क्यू इन हम सिग्मा पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहां भी हो जाएगा सिग्मा गुने टू पाई आर स्क्वायर, बस क्यों, दो लेयर है चार्ज का तो दोनों चार्ज इनक्लोज रहेगा। तो यानी ऐसा लिखो यहां टू टाइम्स सिग्मा पाई आर स्क्वायर, बस। तो अब यहां क्या होगा, टू पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, यह हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, तो बन जाएगा ग्यारह नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। फिर है बारह नंबर, बारह नंबर में है कि डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के कारण बोल रहा है, किसके कारण, कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज सिर्फ कहां होता है, सरफेस पर, चार्ज सिर्फ कहां रहेगा, सरफेस पर, यह कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज सिर्फ यहां रहेगा।
इसीलिए इसमें केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में क्या है कि अगर कोई गॉसियन अंदर में किसी पॉइंट पर निकालना है तो स्फेयर के लिए गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल लेना चाहिए, वही सिमेट्री होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं। तो केस फर्स्ट अगर हम लेते हैं कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ई डॉट डी एस बराबर क्या है, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। यानी अब यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट ही होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट होगा और रेडियल होगा, और एरिया जो है वह क्या हो जाएगा 4πr², और अंदर में चार्ज की इंक्लोज कितना है 0। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्यों, क्योंकि कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, टोटल फ्लक्स 0। जरूरी नहीं है कि टोटल फ्लक्स 0 हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ऐसा नहीं है कि फ्लक्स 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स को 0 होने के लिए EdS cos थीटा, अगर हो सकता है कि cos थीटा 0 हो जाए तब भी आपको फ्लक्स 0 हो जाएगा भले इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर रहे। जैसे कोई सरफेस ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है इस तरह से, एरिया वेक्टर इधर है, तो क्या हो गया, इस सरफेस से फ्लक्स नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वह इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं कर रहा है बल्कि टेंजेंशियली पास कर जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 होता है। लेकिन इस केस में क्यों, इस केस में हमको मालूम है कि बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा रेडियली ही होगा, या तो इनवार्ड होगा चाहे आउटवार्ड होगा, रेडियली होगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से एक ही जैसा सिमेट्री है, एक ही जैसा है, तो दूसरी कोई सा मामला नहीं है। इधर क्यों झुकेगा भाई, इसके इस साइड भी वही चीज है, उस साइड भी वही चीज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच ही रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा रेडियली होगा। अगर होता तो मालूम चल रहा है कि अगर ये रेडियल होता तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री होता, एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब है कि यह 0 तभी संभव है जब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। केस सेकेंड है कि बाहर में कोई पॉइंट ले लो, तो बाहर में अगर ये पूरा क्यू चार्ज है इस पर, ये सबसे आसान है, बाहर में कोई पॉइंट है गॉसियन सरफेस, ठीक, अब बाईसिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा रेडियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो ई डॉट डी एस करोगे आ जाएगा क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा पूरे सरफेस पर, क्यों, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट तो एक ही जैसा है स्फीयर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और एरिया हो जाएगा 4πr², यहाँ जो एरिया लेते हैं गॉसियन सरफेस का, और चार्ज इंक्लोज कितना है कैपिटल क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε₀Q/r² या जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, कि सारा चार्ज कहाँ है, उसके सेंटर पर है, और वही सरफेस पर पूछेगा तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, ये सब गॉस लॉ का डेरिवेशन था, ये सबको इतना कर बराबर बनाते रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता। 13 नंबर, रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज कहने का मतलब है कि यहां जो चार्ज है अंदर में भी है, यहां चार्ज आपको अंदर में भी है, ठीक है, यहाँ चार्ज आपको अंदर में भी है। यहाँ जो गॉसियन सरफेस आप अंदर में लोगे स्मॉल आर दूरी पर, ऐसे पूरा कैपिटल आर था और यह क्यू है चार्ज, तो यहाँ जो केस फर्स्ट लेते हैं अगर हम स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ क्यू इन जो होगा वह क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम गुने वॉल्यूम इनक्लोज्ड 4/3 πr स्मॉल आर क्यू। एक एक नियम कि पूरा वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, यूनिफॉर्म है तो हम एक एक नियम लगा सकते हैं, तो क्यू इन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू कैपिटल आर क्यू गुने स्मॉल आर क्यू।
हो गया। अब आप गॉसियन से ये गॉस लॉ लगाओ, तो गॉस लॉ आप क्या कहता है, E डॉट ds बराबर q इन बाई इप्सिलॉन नॉट, ऐसा कहता है कि E डॉट ds बराबर q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा, हर जगह एक ही जैसा है, सिमेट्री है, तो जो भी होगा कांस्टेंट। और एरिया, एरिया किसका लेते हैं, चार्ज का कि गॉसियन सरफेस का, बोलो गॉसियन सरफेस का। यह हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और अंदर में चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, क्यू स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू, और यहाँ इप्सिलॉन नॉट, बस काम खत्म। इस आर स्क्वायर से आर क्यूब का तीन पावर, दो पावर चला जाएगा, एक पावर रह जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर क्यू अगुने स्मॉल आर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड, और यह रेडियली आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, डन। अब आता है केस सेकंड, इसमें मेन वही है कि चार्ज इंक्लोज आप खाली निकालो, चार्ज इंक्लोज टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम गुने इंक्लोज वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पूरे वॉल्यूम है और यूनिफॉर्मली है, इसलिए आप एक एक नियम से बना सकते। अब केस सेकंड है कि आउटसाइड, तो आउटसाइड में सेम सिचुएशन है, आउटसाइड में कोई चेंज नहीं है। अगर पूरे में भी चार्ज है तो क्या दिक्कत है, पूरे में भी चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर गॉसियन सरफेस हम लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर या कैपिटल आर है, तो यहां क्या है, क्यू इन, आपको टोटल का टोटल चार्ज ही क्यू इन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहां वही ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा यूनिफॉर्म, एरिया गॉसियन सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज इंक्लोज क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ऊपर वाला जितना डेरिवेशन है वो या तो 3 नंबर में आएगा या उसमें कुछ छोटा क्वेश्चन और मिला के 5 नंबर में भी पूछ लेगा, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल देके या कोई डिफिनीशन पूछ के 5 नंबर में भी पूछ सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 2xi कैप, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इंक्लोज्ड बाय इट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक ऐसा एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, और इधर आपको जेड एक्सिस है, एक यहां पर क्यूब है, एक क्या है क्यूब बना हुआ है इस प्रकार, ऐसा क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड क्या है ए है, ए साइड है, यह एक्स है। अब यहां कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2xi कैप, 2xi कैप, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में। तो फ्लक्स आपको सिर्फ किस प्लेन से होगा, फ्लक्स विल बी 0, फ्लक्स विल बी 0, फ्लक्स 0 हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है, तो इस प्लेन से किस प्लेन से 0 इन विथ प्लेन इन वाई जेड, ये प्लेन इधर जेड है, ये जेड में है और इधर एक्स में है, एक्स जेड, एक्स जेड प्लेन, एंड और जो यह एक्स वाई प्लेन,
इस दो प्लेन से आपको फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। फ्लक्स पॉसिबल जो है वह किससे है, फ्लक्स इज पॉसिबल विथ, इसको समझाते हैं, रुक जाओ, पॉसिबल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यह प्लेन ऐसे रखा हुआ है, यह प्लेन क्या है एक्स एक्सिस में है और इसमें जेड एक्सिस में है, एक एक्स एक्स को कट कर रहा है और जेड को, वाई का वैल्यू इसमें क्या है हमेशा वाई में ऐसे रहता तब वो वाई बोलते हैं, ऐसे है तो यह क्या हो गया एक्स और जेड में, ठीक है, एक मिनट, नहीं वाई और जेड है, वह यह क्या हो गया वाई और जेड, यो एक सरफेस ये वाई में है और एक क्या है जेड में, एक्स का वैल्यू इसमें फिक्स है, जो वेरिएबल होता है उसी को हम, एक्स का वैल्यू फिक्स है तो इसको हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन, ये वाला भी, ये वाला सरफेस भी जो ऐसे है वह भी वाई जेड प्लेन, यह वाला जो है इसमें क्या है वाई फिक्स है तो इसमें यह एक्स जेड प्लेन हो गया, यहाँ भी वाई फिक्स है, वाई इक्वल टू जीरो है, यहाँ वाई इक्वल टू, अगर इस वाले सरफेस को देखें ऊपर वाला यह क्या है वाई इक्वल टू ए है, नीचे वाला देखे तो y इजकल टू जीरो, यही प्लेन है, इस सरफेस को देखे तो यह x इजकल टू ए है, यह सरफेस जो है x इजकल टू जीरो है, और जो सामने वाला है, सामने वाला यह जो सरफेस है फ्रंट वाला, तो सामने वाला सरफेस है z बराबर a और पीछे वाला सरफेस है z बराबर जीरो, तो इस छह सरफेस है आपको, तो यहां एक्स जेड एक्स वाई से जो ये सरफेस है इससे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स दिशा में, सेम सिचुएशन इससे भी है, ठीक है, और जो ऐसे प्लेन है इसका भी सेम सिचुएशन है और जो ऐसे प्लेन है इसका भी सेम सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स संभव है तो एक इससे संभव है जो ऐसे प्लेन है इसको क्रॉस करेगा या जो ऐसे है उसको क्रॉस करेगा, यानी पॉसिबल विथ प्लेन एक्स बराबर जीरो एंड एक्स बराबर ए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो एट एक्स बराबर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स बराबर जीरो पर क्या है जीरो है, इसीलिए सो फ्लक्स विल बी ओनली ड्यू टू ओनली थ्रू, किसके कारण होगा किससे होगा ओनली थ्रू एक्स बराबर ए, और कितना फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा टू ए, एक्स की जगह ए रख दो और एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी टू ए क्यूब टोटल फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स इससे क्या होगा टू ए क्यूब, बस अब कह रहा है चार्ज इंक्लोज निकालना है कि इसके अंदर, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई चार्ज इंक्लोज होगा और वह चार्ज इंक्लोज बाय द गॉस लॉ, सो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर टू ए क्यूब, तो चार्ज इंक्लोज जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा टू ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, बस बात खत्म, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, सब सिंबल में है तो सिंबल में ही रहने दो। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पंद्रह में है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई नॉट आई कैप, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में है आई कैप, वेयर ई नॉट इज ए कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर ड्यू टू द फील्ड, एक प्लेन है उस प्लेन से पूछ रहा है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह प्लेन दे रखा है आपको, जो प्लेन है उसका कोऑर्डिनेट है पहला 0 0 0, दूसरा 0 a, 0, ठीक है, उसके बाद है a a a और लास्ट है a 0 a, ऐसा आपको प्लेन है, ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे पहला जब प्लेन है तो सबसे पहला काम क्या होगा एरिया वेक्टर निकालने का, सबसे पहला काम क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर निकालने का, तो अगर चार कोऑर्डिनेट दिया रहे तो एरिया वेक्टर जो हो जाता है, एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर ए बराबर हाफ
हाफ डायगोनल वन क्रॉस डायगोनल टू, डायगोनल वन और डायगोनल टू का क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका आधा कर दो, वही एरिया वेक्टर हो जाता है। तो यह P है, यह Q है, यह R है और यह S है। चलिए तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ डायगोनल वन क्रॉस डायगोनल टू। तो डायगोनल वन जो होगा, डायगोनल वन होगा P और R वाला, कौन होगा P और R। तो P और R क्या लिखते हैं, तो R में से P घटाओ तो क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, यह हो गया डायगोनल पी आर। क्रॉस डायगोनल ये क्यू एस, तो क्यू एस ए में से जीरो गया तो ए आई कैप, जीरो में से ए गया तो माइनस ए जे कैप, और फिर ए में से जीरो गया तो प्लस ए के कैप, यह आपको हो गया डायगोनल। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए तो ई डॉट ए कर दोगे, आपको फ्लक्स निकल जाएगा। तो यहां देख लो गौर से, यहाँ हाफ और यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखो, पहला ए ए ए, दूसरा ए माइनस ए और ए। तो आप इसमें ए कॉमन भी है हर जगह, आप चाहो तो ए बाहर भी निकाल सकते हो। तो हाफ ए अगर हम बाहर निकाल दें, रहने दो, हाफ ए स्क्वायर एक्चुअली बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, पहले वाले केस में जब आई कैप लिखना चाह रहे हो तो इस आई कैप छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इसका गुना ए स्क्वायर, इसका गुना करेंगे जब आई कैप है तो ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर आई कैप, माइनस जे कैप जब लिखेंगे बीच में माइनस होता है जे कैप वाले के साथ, तो वह क्या हो जाएगा ए गुने ए यानी ए स्क्वायर, फिर ए गुने ए माइनस ए स्क्वायर के, ये क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस के कैप जब लिखेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसका गुना माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कैप, यह हो गया। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एरिया वेक्टर बराबर हाफ, यह हो गया टू ए स्क्वायर आई कैप माइनस टू ए स्क्वायर के कैप, टू से कॉमन ये, यानी एरिया वेक्टर बराबर हो गया हाफ इंटू टू ए स्क्वायर आई कैप माइनस के कैप, एरिया वेक्टर बराबर ए स्क्वायर आई कैप माइनस के कैप। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट एरिया। तो ई डॉट एरिया करेंगे तो यह आई कैप है तो सिर्फ आई कैप वाले से हो जाएगा, तो ई नॉट ए स्क्वायर आपका आंसर। फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई नॉट गुने ए स्क्वायर, दैट्स इट, यही आपका सिर्फ फ्लक्स हो जाएगा। डन, डॉट प्रोडक्ट है तो आई वाले का सिर्फ आई के साथ, के वाला था ही नहीं तो खत्म। तो मेन यहां था एरिया वेक्टर निकालना, तो एरिया वेक्टर जो होता है हाफ डी वन क्रॉस डी टू, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका आधा कर दो तो वही हो जाता है एरिया वेक्टर, ठीक है, वह क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो एक डायगोनल था पी आर, दूसरा डायगोनल था क्यू एस, तो जब पी आर किए तो ए कैप ए आई कैप ए जे कैप ए के कैप, और जब क्यू एस करेंगे तो ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो गया, देखो आई वाला जब किए तो ये दोनों का गुना ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस हो गया, जे वाला माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म हो गया, के वाला प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस फिर ए स्क्वायर के कैप, यह हो गया टू ए स्क्वायर आई कैप माइनस टू ए स्क्वायर के कैप। तो हाफ ठीक है, टू ए स्क्वायर कॉमन आई कैप माइनस के कैप, टू से टू कट गया ए स्क्वायर आई कैप माइनस के कैप, तो ई डॉट ए करेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप, तो ई नॉट जो एक्स में है तो सिर्फ ए स्क्वायर से गुना हो गया, यह हो गया आपको टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको पूरा बनाइएगा, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है, ओके बाय बाय, हंसते मुस्कुराते रहिए।